हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक विंडोज 7 कंप्यूटर है, मुझसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट जो है एक्सीडेंटली डिसेबल हो गया है। तो मेरे पास ये सेकेंड यूज़र है ITD, जो कि एक स्टैंडर्ड यूज़र है, तो इससे लॉग इन कर लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, नॉर्मली जो IT इंजीनियर्स होते हैं या IT प्रोफेशनल्स होते हैं तो नॉर्मली फेस करते हैं। मैंने भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो इसमें ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैनेज में जाता हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रॉम्प्ट करता है। सेम अगर यहाँ पर MS कॉन्फिग कमांड अगर रन करता हूँ मैं, तो सेम ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के लिए। तो जब तक इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अनेबल नहीं करूँगा, तब तक मैं इस कंप्यूटर में ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाऊँगा और ना ही कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर पाऊँगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर को अनेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस विंडो 7 कंप्यूटर को विंडो 7 बूटेबल डिस्क से बूट कराऊँगा। तो चलिए इसको बूट कराते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करते हैं और रिपेयर योर कंप्यूटर वेट करते हैं। तो यहाँ पर रिस्टोर योर कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको कैंसिल और यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो विंडोज़ का पार्टीशन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले सी ड्राइव में चलते हैं और यहाँ पर DIR करते हैं, तो ये विंडोज़ का पार्टीशन नहीं है। डी ड्राइव में चलते हैं, DIR करते हैं, तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ के फोल्डर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम फाइल कॉपी करेंगे, तो उसके लिए जो कमांड है कॉपी डी ड्राइव विंडोज़ सिस्टम 32, तो यहाँ पर एक फ़ाइल होगी sethc.exe, इसको सबसे पहले हम कॉपी करेंगे डी ड्राइव में और सेकंड कमांड रन करेंगे हम यहाँ पर cmd विंडोज़ सिस्टम 32 और यहाँ पर टाइप करेंगे sethc.exe, यानी जो हमारी जो cmd फाइल है हम उसको कॉपी कर रहे हैं sethc.exe में। तो इसको एंटर करेंगे, ओवरराइट करेंगे इसको, फाइल को कैप्स ए प्रेस करके इसको एग्जिट करेंगे यहाँ से और रीस्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम शिफ्ट की को हम 5 टाइम्स प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यूज़र्स को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट शो कर रहा है और सेकंड यूज़र ITD शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक कमांड रन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, सिंगल स्पेस देंगे स्लैश एक्टिव कॉलन यस, इसको एंटर करेंगे। तो इस कमांड से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट है वो अनेबल हो जाएगा और यहाँ से हम इस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम एस्ट्रिक्स टाइप करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड, उसको कंफर्म करेंगे और यहाँ से इसको एग्जिट कर लेते हैं। तो इसको एक बार हम रीस्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ये शो कर रहा है, ये अनेबल हो गया है। तो इसको ITD से लॉगिन कर लेते हैं अगेन।
सेम यहाँ पर मैनेज में चलते हैं। तो देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड टाइप करते हैं और यहाँ पर हम ms config कमांड भी रन कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन भी ओपन हो गया और कंप्यूटर मैनेजमेंट भी ओपन हो गया। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को अनेबल करते हैं। तो चलिए अब जो फाइल्स हमने कॉपी की है उसको ओरिजिनल लोकेशन में रिस्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है इसको ओरिजिनल लोकेशन में पेस्ट करने के लिए सेम हमें इसको बूट कराएंगे विंडोज 7 की डिस्क से। तो इसको नेक्स्ट करते हैं और रिपेयर योर कंप्यूटर, रिस्टोर योर कंप्यूटर, नेक्स्ट, कैंसिल कैंसिल और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमारा जो विंडोज़ पार्टीशन है वो डी ड्राइव है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, इस फाइल को कॉपी /etc.exe डी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32, एंटर करेंगे। ओवरराइट के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है तो उसको ओवरराइट कर देते हैं। ये जो फाइल है डी ड्राइव में हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट की 5 टाइम्स प्रेस करूँगा अगेन, 1 2 3 4 5। तो अब देखें यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आया, तो दैट मीन्स हमारी जो फाइल्स हैं प्रॉपरली रिस्टोर हो चुकी हैं। तो इस तरीके से विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को अनेबल करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।